जो प्यार के नाम पर केवल हवस पूरी करते हैं और फिर उसी प्यार को सरेआम नीलाम करते हैं, उनकी सच्चाई मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये कड़वी सच्चाई पसंद आएगी। आप सब काम छोड़ दीजिए, बस 5 मिनट मुझे चाहिए इस वीडियो को देखने के लिए। एक लड़की समाज को क्या बताती है, पहले तो आप वो सुनिए। एक ही स्कूल में पढ़ते थे और प्यार हो गया, अब उसके बगैर जीना मेरा दुश्वार हो गया। दूरियां नजदीकियों में इस तरह बदलती रही, उसके साथ घूमने फिरने का विचार हो गया। ख्वाबों को हकीकत के पर जब मैंने लगते देखे, दिल मेरा खिल के गुलजार हो गया। बैठकर उसकी गाड़ी से हवाओं से बातें करने लगी, आंखों में बसा सपना साकार हो गया। गाड़ी की रफ्तार को फिर मैंने थमते देखा, सुनसान डगर में उसको बढ़ते देखा, कुछ सहमी पर प्यार में विश्वास नजर आया। पर ये क्या, मैंने उसको अपनी ओर बढ़ता हुआ पाया। छूकर मेरे शरीर को वो मुझसे बोला, तुम ही मेरी सबनम, तुम ही मेरी सोला, मुझसे कितना प्यार करते हो यह तो बताओ, जरा अपने यौवन का रस पान तो कराओ। उसकी इन हरकतों से मैं सहम गई, टूट गया सपना और मैं बिखर गई। कोई नहीं था सुनने वाला, मैं क्या कर पाती, उसकी हर हरकत को रो रो के गले लगाती। उस वक्त क्या करती मैं समझ न पाई, उसने मेरे मोबाइल से पिक्चर भी बनाई, प्यार के नाम पर उसने हवस है मिटाई। रोती रही मैं, उसे उफ तलक न आई। जीते जी मारना क्या होता है, उस वक्त समझ में आया जब मैंने YouTube पे खुद को नंगा पाया। की थी मैंने मोहब्बत और क्या मैंने पाया, ये सब कुछ देखकर मैंने मौत को गले लगाया। जो नादानियां मैंने की तुम नहीं कर जाना, पढ़ने भेजा माँ बाप ने, पढ़ने में दिल है लगाना। मोहब्बत के नाम पर कभी खुद को ना लुटाना, मोहब्बत के पीछे हवस छुपी है ये सबको बतलाना। थोड़ा कड़वा है मगर लड़कियों के लिए सत्य है। मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लड़के लड़कियां गाली देंगे मुझे। मैं ये नहीं कहता कि प्यार करना गलत है, लेकिन ऐसा प्यार मत करो जो तुम्हारे जिस्म से करता हो। आज के लड़के लड़कियां प्यार करते हैं, बस प्यार के इजहार के 15 दिन बाद ही हम बिस्तर हो जाते हैं। अरे थू है ऐसे प्यार पर जो प्यार निभाने के लिए अपना जिस्म का सौदा करना पड़े। चलो यहां तक भी मान लिया कि ये प्यार है, तो ये कैसा प्यार है जो उसी नग्न अवस्था में सेल्फी लेते हो, ये कौन सा प्यार है साहब? एक कड़वा सत्य सुनो लड़कियों, ये सेल्फी इसलिए लेते हैं क्योंकि तुम्हें ब्लैकमेल करे और हर बार तुम उसकी रखेल बनकर रहो, और जिस दिन मना कर दिए कि नहीं मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, क्यों करते हो ये सब, उस दिन पता है क्या होगा, वही अर्धनग्न फोटो FB पे और व्हाट्सएप पर वायरल किया जाएगा। तो उस दिन सोचो तुम्हारे परिवार वालों पर क्या बीतेगी, तुम्हारे 5 मिनट के मजा से तुम्हारे परिवार वालों को जिंदगी भर की सजा मिलेगी। अरे थू है ऐसे प्यार पर। आप सब लड़कियों से विनती है कि ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपके परिवार को समाज में नजर झुकाकर चलना पड़े, क्योंकि ये जो इज्जत होती है सबसे अनमोल चीज है। इसे बनाने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन बिगाड़ने के लिए सिर्फ एक ही गलती काफी है। मैं एक बार फिर कहता हूँ, प्यार करना गलत बात नहीं है, लेकिन प्यार जिस्म से नहीं जान से करो। वैसा प्यार मत करो जिससे आपके परिवार वालों को इज्जत नीलाम करना पड़े। अब बहुत लड़कियां मुझे एक सवाल करेंगी कि तुम लड़कियों को समझाने से अच्छा लड़कों को समझाओ। तो सुनो, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ लड़कों के बाप की औकात नहीं है कि वो तुम्हें टच करें। अगर मैंने इस वीडियो में कुछ गलत कह दिया तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मुझे माफ कर देना। मैंने वही बोला जो मैंने अब तक अपनी जिंदगी में देखा और महसूस किया, और हमेशा मैं वही बोलता हूँ जो मुझे दिखाई देता है। अगर आप लोगों की कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, और आप फेसबुक पर जितने भी ग्रुप में ऐड हैं उन सभी में इसे शेयर करें, ताकि ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। इन बातों में मुझे पता है सुधार आना नामुमकिन है, लेकिन कोशिश करना हमारा काम है।